वाह भाई, ऐसा बैंगन का भरता तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। मान गए बहू, तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। थैंक यू बाबूजी। बहू, थोड़ा भरता मुझे भी दे दो, या आपने बाबूजी को ही खिलाना है पूरा? अरे लीजिए ना माँ। वाकई सुनीता, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। बस यही गड़बड़ है बहू। क्या बाबूजी? तुम इतना लजीज खाना बनाती हो कि ये सुमित का वजन बढ़ता ही जा रहा है। सुनीता ने आते ही सबका दिल जीत लिया था। बाबूजी और सुमित उसकी तारीफ करते थकते ही नहीं थे, लेकिन उसकी सास को ये बात खटकने लगी थी। अरे बहू, चाय लाना, तुम्हारे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय, और ये आपके लिए माँ जी। वाह बहू, इंतजार सफल कर दिया तुम्हारी चाय ने। थैंक यू बाबूजी, आप चाय पीजिए, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ आपके लिए। अरे बहू, ऐसी चाय बनाना अपनी सासू माँ को भी सिखा दो। माँ तो अच्छी ही चाय बनाती है, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगी, और वैसे भी मैं हूँ ना, हमेशा आपको चाय पिलाती रहूंगी। जीती रहो बहू, जीती रहो। ये सब देखकर सुमित भावुक हो गया। थैंक यू सुनीता। अरे मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? तुम बाबूजी, माँ और मेरा कितना ख्याल रखती हो। सच में तुमसे बेहतर बीवी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। अरे बस भी करो, मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। सुनीता खुशी खुशी किचन में चली गई। उस दिन सब खुश थे, लेकिन माँ सुनीता से जलने लगी थी। जब से बहू आई है, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं रही घर में। सुमित तो उसके पीछे लट्टू बना फिरता है, ऐसे तो वो मेरे बेटे को मुझसे छीन ही लेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। एक तरफ सुनीता घर के काम और सबकी सेवा में लगी रही, दूसरी तरफ उसकी सास प्लान बनाने लगी। फिर एक दिन, अरे बहू। जी माँ जी। मैं और तेरे बाबूजी कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के घर जा रहे हैं, उसके लिए मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। अरे वाह माँ, गाजर का हलवा तो सुमित को भी बहुत पसंद है, वो तो सुनकर ही खुश हो जाएंगी। नहीं नहीं, सुमित को बिल्कुल मत बताना कि मैंने गाजर का हलवा बनाया है। लेकिन क्यों माँ जी? तूने देखा नहीं, उसका वजन बढ़ता ही जा रहा है, उसे मीठा नहीं खिलाना है वरना उसकी सेहत भी बिगड़ सकती है। लेकिन माँ जी, अगर तुझे सुमित की सेहत की जरा भी चिंता है तो तू उसे हलवा के बारे में नहीं बताएगी। जी ठीक है माँ जी। भोली भाली सुनीता अपनी सास की बातों में आ गई। माँ और बाबूजी के जाने के बाद सुमित घर आया। सुनीता ने उसे खाना खिलाया और बर्तन धोने किचन में चली गई। तभी सुमित का फोन बजा। अरे माँ का फोन। हेलो बेटा सुमित। हाँ माँ, आप लोग आराम से पहुँच गए ना? हाँ हाँ पहुँच गए बेटा। तेरे मामा को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा? कौन सा गाजर का हलवा? मैंने तो अभी नहीं खाया, सुनीता ने तो मुझे दिया ही नहीं माँ। अरे कमाल है, मैं तो बहू को बोल के आई थी कि सुमित को मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है, उसे याद से खिलाना। अरे कमाल है, हो सकता है वो भूल गई हो। अरे अभी एक घंटे पहले ही मैंने बहू को फोन लगा कर भी याद दिलाया था, लेकिन शायद वो ये नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथ का हलवा खाए। अरे सुनीता ऐसा क्यों चाहेगी माँ? देख बेटा, मैं तुम पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन बहू को पसंद नहीं कि तू मेरे इतना करीब है। जब मैंने उसे कहा कि तुझे हलवा दे दे, तो उसने बड़े रूखेपन से कहा कि सुमित को मैं खिला दूंगी जो खिलाना है। ऐसे कैसे कहा उसने? रुको अभी खबर लेता हूँ मैं उसकी। इससे चालाकी से पता करना पड़ेगा। सुनीता यहाँ। जी कहिए। मीठा खाने का मन हो रहा है, घर में कुछ रखा है क्या? बेचारी सुनीता, वो तो सुमित को हलवा खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी सास को प्रॉमिस किया था इसलिए झूठ बोलने लगी। अब नहीं तो घर में कुछ मीठा नहीं रखा। अच्छा तो माँ ने जो गाजर का हलवा बनाया था वो कहाँ गया? हलवा वो तो मैं। बस करो और झूठ नहीं सुनना मुझे।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम माँ से इतना जलती हो और मुझे अपनी ही माँ से दूर करना चाहती हो। आप गलत समझ रहे हैं जी। अरे अब जाकर कहीं मैं सही समझ रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम अपने मायके चली जाओ आज अभी। अगले दिन जब बाबूजी और माँ घर आए तो माँ के मन में लड्डू फूट रहे थे। सुमित ने बहू की खूब क्लास ली होगी, आप उसकी तारीफ नहीं करेगा वो। लेकिन उसने जितना सोचा था बात उससे ज्यादा बढ़ गई थी। सुमित बहू दिखाई नहीं दे रहे, बाजार गई है क्या? नहीं बाबूजी, वो अपने मायके गई है। अरे अचानक मायके क्यों चली गई? मैं छोड़कर आया, उसे अगर आपसे परेशानी है तो उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए ना। अरे भाई क्या हो गया ये? छोड़िए बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सास की चाल तो कामयाब हो गई लेकिन बाजी उल्टी पड़ने लगी। सुनीता के जाने के बाद घर का सारा काम सास के जिम्मे आ गया। अरे सुमित की माँ, कितनी देर और लगेगी चाय आने में? अब बस लाई जी। हे भगवान, चाय नाश्ता बनाने में इतनी देर हो गई, सुमित का टिफिन भी रह गया, अभी तो सफाई भी बाकी है। मेरी तो आदत ही नहीं रही इतना काम करने की। ये लीजिए। अरे रे, इतनी देर लगाकर ये कैसी चाय बनाई है? सुबह सुबह ऐसी चाय पियो तो पूरा दिन खराब। अरे जैसी आती है वैसी ही बनाऊंगी ना। चाय तो बहू बनाती थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ। अरे बेटा नाश्ता तो कर ले, अभी तेरा टिफिन बनाना बाकी है। नहीं माँ, बहुत देर हो गई है और मेरा मन भी नहीं है। आज मेरा बेटा भूखा चला गया। पूरे घर में मायूसी छा गई थी। सास को अकेले पूरा घर संभालना पड़ रहा था और कोई खुश भी नहीं था। ये क्या, सब्जी में नमक है ही नहीं और दाल में नमक ही नमक है। गलती से मैंने सब्जी की जगह दाल में नमक डाल दिया दो बार। सुबह से कुछ नहीं खाया माँ मैंने, और अब ये तो खा ही नहीं सकता मैं। मैं कोशिश कर तो रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा सारा काम। मेरी बहू तो अकेले ही सब कर लिया करती थी, लेकिन वो तो अब है नहीं। बाबूजी, लेकिन उसे माँ से जलन थी और वो झूठ भी बोलती थी। बात तो सही है, क्यों सुमित की माँ सही कह रहा है ना ये। सास अब और नहीं सुन पाई और अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर रोने लगी। बस कीजिए आप दोनों, मैं समझ गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। बेटा सुमित, बहू की कोई गलती नहीं, मैंने ही उससे कहा था कि तुम्हें हलवा ना खिलाए। तुम दोनों से उसकी तारीफ सुन सुन के मैं बहू से जलने लगी थी। मेरी इस नासमझी में मैंने तुम्हें बहू से अलग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहू और अमित अलग नहीं हुए हैं। क्या? हाँ माँ, तुम्हारा फोन आने के बाद मैं सुनीता पर गुस्सा कर रहा था, तभी बाबूजी ने कॉल किया और उन्होंने समझाया कि गलती सुनीता की नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, जो तुमने बहू से कही वो भी और जो सुमित से कही वो भी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है और तुम उसी से चलने लगी। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए सुमित और सुनीता को झगड़े का नाटक करने को कहा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। बेटा सुमित, तू सुबह ही बहू को वापस लिया, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अगले दिन सुमित सुनीता को घर ले आया। सास ने अपनी बहू का आरती उतार कर स्वागत किया। बहू, पिछली बातों को भुलाकर मुझे माफ कर दोगी ना? आप मत माफी मांगिए माँ, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी बहू बन सकूं। तू तो अच्छी बहू है ही, अब मैं कोशिश करूंगी कि एक अच्छी सास बन पाऊं। घर में खुशहाली फिर लौट आई और बाबूजी के साथ सासू माँ भी बहू की खूब तारीफ करने लगी। चलो माया, और कितना टाइम लगेगा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये औरतें भी ना सजने सवरने में कितना टाइम लगाती है। माया आई। कार्तिक और माया आज डिनर करने होटल में बाहर जाने वाले होते हैं। कार्तिक तैयार होकर हॉल में माया का इंतजार कर रहा था और माया अंदर कमरे में तैयार हो रही थी, तभी सासू माँ भौरी वहां आ जाती हैं।
लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अभी बताती हूँ इनको। चलो कार्तिक, आई एम फुल ऑन रेडी। दोनों बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें भौरी की दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों फौरन घबरा कर उनकी कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि भौरी के पैर में मूंछ आई है और वो बिस्तर पर लेटी हुई है। बहुत दर्द हो रहा है ऊपर वाले। माँ, क्या हुआ माँ? अब क्या बताऊं बेटा, अलमारी के ऊपर का सूटकेस निकाल रही थी तभी नीचे गिरी धड़ाम से और कमर तो सूजी गई है। ऊपर से मेरा पैर भी मुड़ चुका है। अरे बड़ी गहरी मोच आई है। पर आपको किसने कहा था ये उछल कूद करने के लिए? हम दोनों में से किसी को बुला लेती आप। पापा जी, पापा जी कहाँ गए? गए होंगे गार्डन में वॉक करने, और क्या काम है उन्हें। खाओ पियो और आराम करो। तो वैसे तो आपको भी कोई काम नहीं है, खुद भी तो खाती हैं, पीती हैं और आराम ही फरमाती हैं। इडियट बुढ़िया। तो कुछ कहना चाहती है क्या माया बहू? ना कुछ नहीं। माया, आई थिंक हमें बाहर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा आज। अब माँ की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें इस मोच के कारण बुखार भी चढ़ सकता है। मुझे माँ के पास ही रुकना होगा, इनके देखभाल करनी होगी। ओके ठीक है। माया उदास होकर वहां से चली जाती है और कार्तिक पूरी रात भौरी की देखभाल करता है। सास नहीं, मेरे जीवन का ग्रहण है ये औरत। जब जब कार्तिक और मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, ये औरत हमारे बीच कबाब में हड्डी बनकर आ जाती है। माया भौरी के कमरे से गुजर रही होती है तभी वो देखती है कि भौरी तो मजे से अपने कमरे में चल रही है। ये क्या? माँ जी, कल रात ही इनके पैर में मोच आई थी और अब तो ये अपने कमरे में दौड़ रही है इधर से उधर। पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए अब तक तो। इसका मतलब इन्होंने मोच आने का ड्रामा किया ताकि मैं और कार्तिक बाहर डिनर पर ना जाए। अच्छा, तो अब समझी सास की साजिश। ये मुझे अपने बेटे से दूर करना चाहती है ताकि वो बीवी का पालतू कुत्ता ना बने और माँ का लाडला बेटा बना रहे। लेकिन माय डियर माँ जी, आप इस स्कूल की स्टूडेंट हो तो मैं प्रिंसिपल हूँ। अब देखना क्या होता है। एक हफ्ता बीत जाता है और भौरी सबके सामने अपना पैर ठीक होने का नाटक करती है। उसके पति राम गोपाल जब हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं तो, अरे आप क्या पगला गए हो? मैंने बोला ना आपको कि मेरा पैर अब ठीक है, दूर ले जाओ इस दूध को, मुझे इसकी बदबू भी नहीं पसंद, दूर ले जाओ। कमाल करती हो तुम भी ना, एंटिक पीस हो। तभी वहां कार्तिक आता है। चलो माँ पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, विश मी गुड लक। अरे मेरे लाल, गुड लक तो तेरे साथ हमेशा ही है। अच्छा सुन, शाम को आते वक्त मेरे लिए वो चौक की आलू जलेबी ले आना, और हाँ जल्दी आना, आज मुझे वो जेवर बनवाने जाना है ना, तो तू भी चलियो मेरे साथ। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। माया ये सब रसोई में रहकर सुन लेती है और वो अपने आप से कहती है, माँ जी आपका सपूत तो अब मेरे हाथों में है। बेटे शादी के बाद बीवियों का ही ज्यादा सुनते हैं। अब आपके शाम के सारे प्लान्स कैसे मैं फ्लॉप करती हूँ बस देखती जाइए। कार्तिक शाम को ऑफिस के बाहर निकल रहा होता है कि उतने में वहां पर माया आ जाती है। कार्तिक सॉरी ऐसे बिना बताया कर सरप्राइज देने के लिए, लेकिन मैं ना घर पर बहुत बोर हो रही थी और उस रात हम दोनों की डिनर डेट भी अधूरी रह गई थी ना, तो क्यों ना आज हम कहीं जाएं बाहर खाना खाने। आई नो अ बेस्ट रेस्टोरेंट, सस्ता भी और क्लासी भी, चलो ना चलते हैं। अब माया, लेकिन वो माँ का। कार्तिक सोचो माँ, चलो वरना मेरा दिल रूठ जाएगा। हाँ, माया जबरदस्ती कार्तिक को रेस्टोरेंट लेकर जाती है और वहां घर पर भौरी कार्तिक की राह देख रही होती है। वो बार बार घड़ी के कांटे की तरफ देख रही होती है और 10 बज जाते हैं लेकिन कार्तिक का कुछ पता नहीं होता। फिर 11 बजे कार्तिक और माया दोनों साथ में घूम कर आते हैं। अच्छा
तो यह माजरा है। मुझे लगा ही था कि यह कल मुही भी तेरे साथ ही गई होगी। आई एम सॉरी माँ, वो मैं बस कोई सफाई मत दे अभी तो। तुझे अगर अपनी माँ की फिक्र होती ना तो तू आ जाता समय पर, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी बीवी के साथ रंग रलिया मनानी थी, है ना? अपनी माँ की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। माँ जी, आप इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो? आज जाना था तो कल चले जाना आप दोनों, उसमें क्या है? अब आप कल तक तो जिंदा रहोगी ही, है ना? थोड़ी ना चल बसोगी। हाँ हाँ, तू तो बस राह ही देख रही है मेरे जाने की और इस पूरे गृहस्थी को लूटने की। दोनों सास बहू में रोजाना कहा सुनी होती रहती, कभी इस बात पे तो कभी उस बात पे, और इस सब में बेचारा कार्तिक पीसता रहता। कार्तिक, आज मेरे लिए कॉफी बना दो ना प्लीज, मौसम कितना सुहाना है। मुझे तो बिस्तर की बाहर पड़ने का मन ही नहीं कर रहा। प्लीज डार्लिंग। नहीं कार्तिक, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे अपने हाथों से शीरा बना के खिलाने वाला है, तू मेरे लिए शीरा बनाएगा आज? नहीं, ये मेरे लिए कॉफी और स्नैक्स बनाएंगे, है ना डार्लिंग? नहीं, ये मेरे लिए शीरा बनाएगा। बस फिर क्या, फिर से सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस सब से परेशान होकर कार्तिक मन ही मन कहता है, ओ गॉड, मुझे नहीं पता था कि मुझे खाना बनाना आता है, इस बात की मुझे इतनी बड़ी सजा भुगतनी होगी। कार्तिक दोनों को जो चाहिए वो बना के देता है। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों सास बहू के बीच की अनबन रुकने का नाम ही नहीं लेती। दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती झगड़ती रहती और रामगोपाल और कार्तिक उन दोनों के झगड़ों से तंग आ जाते हैं। देखा ना तूने कार्तिक बेटा, कैसे सुना के चली गई वो मुझे, बस यही दिन देखने का बाकी था। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जिनकी सजा मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ। माँ प्लीज अब रो मत। तुझे पता भी है वो मुझे कभी कभी खाना बनाकर भी नहीं देती और खुद अकेली ऊपर बालकनी में मंगवा लेती है ऑनलाइन खाना। अरे बहुत जुर्म करती है मेरे साथ, मेरे तो भागी फूटे है जो मुझे ऐसी बहू मिली है। माँ कार्तिक को माया के खिलाफ इतना भड़का देती है कि वो माया से डिवोर्स लेने का फैसला लेता है और लॉयर के पास जाकर डिवोर्स के पेपर्स भी बनवा लेता है। जब वो कागजात लेकर घर पर आता है और माया से कहता है, माया इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? तू पागल वागल हो गया है क्या कार्तिक बेटा? क्यों माँ, आप यही तो चाहती थी ना कि माया और मैं अलग हो जाए, आपको तो माया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर? माँ उन डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है, खबरदार जो तूने मेरी माया बहू को डिवोर्स दिया, तो अगर तू माया को छोड़ देगा तो फिर माया के साथ साथ अपनी माँ को भी छोड़ देना, समझ गया? क्या, ये आप क्या कह रही हो माँ? बस तू माया से अलग नहीं हो रहा और यह तय हो चुका है। थैंक यू माँ जी, कार्तिक सोचता है। अब माँ ये कह रही है तो यही सही, उसे लगता है कि शायद माँ का हृदय परिवर्तन हो गया है और अब दोनों सास बहू की जोड़ी फिर से सही तरह से रहेगी। लेकिन अगली सुबह दोनों सास बहू में फिर से शुरू हो जाती है लड़ाई। माँ जी, आपको कह दिया ना मैंने, मैं कोई पांच पकवान नहीं बना रही, दाल चावल खाओ और सो जाओ। तेरे तो रुक, तो अभी तुझे बताती हूँ, कुलक्षणी करमजली कहीं की हो गई, ये दोनों फिर से शुरू। भगवान, मैंने शादी ही क्यों की? है क्या आपके पास जवाब?